इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। -1 मिनट अब ऑल हम सॉल्व उड़ान डाउन से 1 मिनट की दूरी पर। 45 सेकेंड्स -50 सेकेंड्स ऑल सिक्वेंसर साउंड स्टेज रेडी माइनस टीबी फोर्टी रेडी फाइव सेकेंड्स -40 सेकेंड्स L110 VHPP ओपन MOV79 ओपन -35 सेकेंड्स -30 सेकेंड्स रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड -25 सेकेंड्स L110 VHPP ओपन -20 सेकेंड्स -15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds lift off normal P1 here tracking. We have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैपॉन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैपॉन्स, द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन। दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड ऑफ हाइपरबोलिक Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैपॉन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द ट्रैजेक्टरी ऑफ लॉन्च व्हीकल इज क्लोजली फॉलोइंग द प्रेडिक्शन। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। वी आर 220 सेकेंड पास्ट द लॉन्च टाइम। Current altitude is 135 kilometers.
In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3 M4 rocket ka dvitiya charan purnata samanya nishpadan karte hue. इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। स्टेज इग्निशन इज ऑथराइज्ड। अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। प्लस 5 मिनट्स। वन टन स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ एंड सेपरेटेड। C25 इग्निशन कमांड। 25 इग्निशन कंफर्म्ड। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is stage performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance.